सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, ये याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को जायज ठहराते हुए कहा कि इसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसमें कोई योग्यता नहीं है। दरअसल एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मुहर लगा दी है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। कोर्ट ने 2002 दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच से इनकार करते हुए जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, कांग्रेस नेता एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की गुजरात के अहमदाबाद स्थित गुलमर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसआईटी ने 64 लोगों को क्लीन चिट दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल था। एसआईटी की इस क्लीन चिट को जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब प्रदेश में दंगे हुए थे। एसआईटी की रिपोर्ट में गुजरात के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की तरफ से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश से इनकार किया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज की थी। एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खारिज कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।